अभी तक आपने टाइम के बारे में जो कुछ भी सुना है वो सब गलत है, जो अभी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी। अभी मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगी और आप मुझे बताएं कि वक्त के हिसाब से कौन सी चीज इस दुनिया में पहले आई थी और कौन सी चीज बाद में आई थी। फर्स्ट जोड़ी में वर्ल्ड वॉर के दौरान मारी जाने वाली एन फ्रैंक और इंडिया की सबसे फेमस सिंगर लता मंगेशकर। दूसरी जोड़ी टीरेक्स और एक छोटा सा मैमल पुर्गाटोरियस। तीसरी जोड़ी मूवी मुगले आजम और प्लैनेट्स ऑफ द एप्स। अब वीडियो पॉज करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। ज्यादातर लोगों ने टाइमलाइन पर ये प्लॉट किया होगा, लेकिन ये सब गलत है। असल में ये ऐसे अरेंज होंगे। इसकी वजह क्रोनोलॉजिकल इल्यूजन ऑफ टाइम है, जिसे आप इस टाइमलाइन वर्सेस इंफॉर्मेशन के ग्राफ से समझ सकते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि असल में ये दोनों एक ही साल में पैदा हुई थी। पिछले साल मरने की वजह से लता मंगेशकर सबके जहनों में है, जबकि एन फ्रैंक का हमारे पास कोई खास डेटा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह हम एन फ्रैंक को लता मंगेशकर से बड़ा समझते हैं। यही सेम पैटर्न को आप दूसरे पेयर्स में भी देख सकते हैं। ये दोनों एक ही टाइम पर एक्सटिंक्ट हुए थे, लेकिन पुर्गाटोरियस जैसे मैमल्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके जहन ने इसे क्लोज प्लॉट किया। ऐसा ही बिल्कुल इन मूवीज के साथ है। ये दोनों मूवीज सेम टाइम पर बनी थी, लेकिन आपको प्लैनेट्स ऑफ द एप्स न्यू लग रही होगी, क्योंकि इसका रिमेक बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। बेसिकली मेरे कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि चाहे हम वक्त को जितना मर्जी घंटों, मिनटों और सेकंड्स जैसे कांस्टेंट यूनिट्स में डिफाइन करें, वो टेक्निकली एक छलावा है, क्योंकि वो तो असल में एक वेरिएबल एंटिटी है, जो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस चीज को कितना जानते हैं। आप इस चीज की इम्प्लीकेशंस समझ रहे हैं ना, कि टाइम किसी भी चीज की अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हम उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, वो भी उस चीज से जुड़ी इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करके। ये सब कुछ एक स्टडी के मुताबिक बताया गया है। इसमें 66 स्टूडेंट्स को कंप्यूटर स्क्रीन पर अलग अलग स्टेटमेंट्स दिखाई गई थी और उन स्टेटमेंट्स के दरमियान में जिराफ वाली स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही थी। अब आप जानना चाहेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। इसके एक हफ्ते बाद उन स्टूडेंट से पूछा गया कि उन तमाम स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सच है और कौन सी झूठ। तो इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स को बाकी की स्टेटमेंट्स झूठ लग रही थी और सिर्फ जिराफ वाली स्टेटमेंट सच लगी। इसे कहते हैं इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट। इस इफेक्ट की वजह से टाइम का कॉन्सेप्ट आज से करीब 5000 साल पहले वजूद में आया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप में से बहुत से लोग ये जानते ही नहीं होंगे कि 2500 बीसी से पहले वक्त किसी के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता था। उन दिनों इजिप्शियन किंग्स अपने पैरामिड्स गुलामों से नहीं बल्कि मजदूरों से बनवाना चाहते थे, जिसकी वजह से काम के हिसाब से उन्हें उनकी मजदूरी देनी पड़नी थी। अब इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली कि मजदूर सूरज के किस एंगल से अपना काम शुरू करता है और किस एंगल पर खत्म करता है। उन्होंने इसका हिसाब रखना शुरू किया। यहाँ से शुरू हुआ स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट, जो कुछ सालों तक ऐसे ही चला। ये कॉन्सेप्ट परफेक्ट नहीं था, जिसकी वजह से इजिप्शियंस ने अपने ही सॉल्यूशन में से दो बड़ी खामियां निकाली, जिसकी वजह से उन्हें अपने ही बनाए हुए टाइम का फर्स्ट कॉन्सेप्ट ड्रॉप करके एक न्यू कॉन्सेप्ट को अपनाना पड़ा। पहली प्रॉब्लम उन्हें ये नजर आई कि एक्यूरेसी के लिए एक अकाउंटेंट को हमेशा एक पोजीशन से एंगल नापना पड़ता था, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर आसमान में कभी बादल छा गए तो उनकी मजदूरी का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता था। अब इजिप्शियंस ने एक सन डायल बनाकर अपनी पहली खामी दूर की, क्योंकि ये सूरज की पोजीशन बताने में इंसानों से ज्यादा एक्यूरेट थे, लेकिन रात को और आसमान में बादल छाने की वजह से सन डायल भी फेल हो जाते थे, जिसकी वजह से अब इजिप्शियंस ने वाटर क्लॉक बनाया। इसमें एक वाटर कंटेनर होता था और इसकी दूसरी साइड पर वजन लटकाया जाता था, ताकि पानी के गिरने से वजन वाली साइड नीचे आ सके। इन शॉर्ट, इसमें मैकेनिज्म कुछ ऐसा था कि जैसे जैसे पानी छेद से नीचे गिरता तो इसकी वजह से क्लॉक का और हैंड घूमने लगता, लेकिन एक घंटा और एग्जैक्टली कितने मिनट्स, ये इसे भी नहीं पता था। यही वजह थी कि 5th सेंचुरी CE से पहले सन डायल और क्लिप सिड्रा को सिर्फ कुकिंग वगैरह के ड्यूरेशन को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, न कि पूरे दिन को इक्वल घंटों में डिवाइड करने के लिए। असल में इन घंटों को डिफाइन 5th सेंचुरी CE के मैथमेटिशियन ने किया था। असल में उन्होंने दोपहर का मतलब बताया था। उनके पास एक तांबे का कटोरा हुआ
जाता था, जिसके बॉटम पर एक छोटा सा होल करके इसे पानी से भरे कटोरे में रखा जाता था। बेसिकली इसका लॉजिक सिर्फ इतना था कि जैसे ही इस कटोरे में पानी भरता तो वो बड़े कटोरे में डूबकर एक घंटे का सिग्नल देता था। इसके बेसिस पर उन्होंने पूरे दिन को 60 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रखा था, जिसकी वजह से आम लोगों के लिए उन्होंने इस दिन के कॉन्सेप्ट को 8 हिस्सों में तकसीम किया। अब क्या आप जानते हैं कि इस बेस पर दोपहर का क्या मतलब होगा? जी हाँ, इसका मतलब है दिन का दूसरा हिस्सा, जो सनराइज से 15 घंटे बाद होता था। इसके बाद जो हुआ उसने तो आम लोगों को भी आवर्स, मिनट्स और सेकंड जैसे छोटे यूनिट्स पर शिफ्ट होने पर मजबूर कर दिया। दरअसल 5th सेंचुरी के दौरान डिटेल टाइम सिर्फ राजों के लिए ही एग्जिस्ट करता था और अगले 1000 सालों तक ऐसे ही ये सिस्टम चलता रहा। इसके बाद जैसे ही 16वीं सदी में क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने पेंडुलम क्लॉक बनाया और जर्मनी के पीटर ने उसे एक पॉकेट वॉच में बदल दिया, जिसकी वजह से अब राजाओं से निचले लोगों के लिए भी टाइम एक्सेसिबल हो गया। लेकिन इसमें सिर्फ एक कमी इसकी प्राइस थी, जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा थी। इसे कम करने का पूरा क्रेडिट World War I को जाता है। दरअसल इस वॉर के दौरान सोल्जर्स को बंकर्स में छुपकर रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें दिन और रात का पता ही नहीं चलता था। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि कब अटैक करना है और कब नहीं, उन्हें ये भी समझ नहीं आता था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया भर के कंट्रीज अपने अपने सोल्जर्स को कम प्राइस में वॉचेस बनाकर देने लगे। इसके बाद जब वॉर खत्म हुई तो तमाम सोल्जर्स इन वॉचेस को आम रूटीन में भी यूज करने लगे, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी वॉचेस छोड़कर रिस्ट वॉचेस का क्रेज चढ़ गया। उस वक्त लोग इन वॉचेस को फैशन के तौर पर पहनकर दिन रात घूमते थे और ये स्टेटस और क्लास को सिग्निफाई करने लग गई थी। इन्हीं वॉचेस की मैस अवेलेबिलिटी जितना ज्यादा फायदेमंद बनी, कहीं न कहीं इस अवेलेबिलिटी ने वक्त के कॉन्सेप्ट को भी हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि इससे पूरी कम्युनिटी एक दूसरे के साथ अपनी वॉचेस मिलाकर एक ही टाइम को फॉलो करने लग गई। सबको लगने लगा कि वक्त सबके लिए एक है। इस कम्युनिटी को जो आज हम हैं, इसे साइंटिफिकली टेम्पोरल कम्युनिटी कहते हैं, जो वक्त को हमेशा कॉन्स्टेंट मानती है, जबकि टेक्निकली आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम सबके लिए रिलेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल फेमस हॉलीडे पैराडॉक्स को ही देख लें। इसके मुताबिक जब हम छुट्टी से पहले एक दिन गुजारते हैं तो टाइम बहुत स्लो चलता है और छुट्टी के दिन बहुत ज्यादा तेज। लेकिन अगर हम इन दिनों को कुछ माह के बाद याद करें तो ये सब उल्टा महसूस होता है, क्योंकि ट्रिप से पहले आपने कुछ खास और यादगार वक्त नहीं गुजारा था, जिसकी वजह से इन दिनों की इन्फॉर्मेशन कम होती है। लेकिन ट्रिप के दिन की मेमोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है। अब ये ग्राफ देखें जो आइंस्टाइन की थ्योरी पर बेस्ड है। 3D स्पेस को मैं इस वीडियो में 2D दिखाऊंगी और 3rd डायमेंशन टाइम का है। साइंटिस्ट के हिसाब से एरो ऑफ टाइम हवा के झोंके जैसा है, जो हमें मुसलसल टाइम में आगे पुश करता है। लेकिन अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखें, जैसे ही कोई इंसान ज्यादा स्पीड से स्पेस डायमेंशन में मूव करेगा, एरो ऑफ टाइम का एंगल स्पेस के प्लेन की तरफ टिल्ट हो जाएगा और इससे टाइम वाले डायमेंशन में उस इंसान की मूवमेंट कम हो जाएगी। यानी कि टाइम कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, बल्कि वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक तो स्पीड पर डिपेंडेंट है और दूसरा सबके लिए अलग अलग भी। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर टाइम सबके लिए डिफरेंट है तो क्या वो एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।